आज का वीडियो रिलेटेड है एक देसी पॉलिश बनाई जा रही है जिससे सैडल्स और लेदर के जो भी आपके लगाम और कुछ और चीज़ें लेदर की यूज़ आती है घोड़ों में उनको साफ़ कैसे किया जाए। इसके मेन इंग्रेडिएंट है एक चेरी ब्राउन पॉलिश जो किसी भी कंपनी की, और दूसरा ये सोप। इस तरह की सोप है, पंजाब में तो इसको निरोल साबुन बोलते हैं जी, अब सब जगह पे अलग तरह से इसका कोई नाम होगा। तीसरा इंग्रेडिएंट है सरसों का तेल। इस सोप को हम थोड़ा चॉप कर देंगे ताकि ये इजीली मेल्ट हो सके, क्योंकि इसको अभी गर्म करना है, सो चॉपिंग मस्ट है। तो हमारी फ्लेम भी कम लगेगी और काम जल्दी हो जाएगा। हमने इसमें सोप को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखा है क्योंकि ज़्यादातर पॉलिश ज़्यादा होगी तो आपके कपड़ों को ख़राब करेगी, और साबुन इसलिए है कि जो मिट्टी लगी रहती है और डस्ट लगी रहती है उसको भी ये क्लीन कर देती है। इसकी लुब्रिकेशन बढ़ाने के लिए हम इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, सरसों का तेल। ये काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है, ये तीन साबुन और तीन पॉलिश कॉस्ट जस्ट 170 रुपीज़। एक बात का ध्यान रखना है कि जो फ्लेम्स है वो इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपके लिक्विड में या आपके पैन में ही घुस जाए वो, क्योंकि ये सब चीज़ें इन्फ्लेमेबल है, तेल भी और साबुन भी। सो इसकी जो स्टोव की लाइट है उसको बिल्कुल आपको कम रखना है, या बर्तन ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर आग ना चली जाए। आप सुन रहे हैं शायद आवाज़ें शुरू हो गई हैं, थोड़े 3-4 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़े समय से इसको हिलाते रहें, मगर इसको छोड़ के दूर कभी भी मत जाइए क्योंकि इसको आग लगने का खतरा हमेशा ही रहता है इसके अंदर। ऑलमोस्ट ये 70% हो गया है, अगर हम इसको पूरा मेल्ट होने का वेट करेंगे ताकि साबुन पूरी मेल्ट हो जाए, जब ये मेल्ट होगा उसके बाद पॉलिश डालने का टाइम आएगा। नेक्स्ट चीज़ हम ऐड कर रहे हैं शू पॉलिश ब्राउन कलर की। पॉलिश डालने के बाद ही वो आग इसके पैन के अंदर जाने का खतरा और भी बढ़ जाता है।
अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि पॉलिश और ये लिक्विड जो है एक ही चीज़ बन जाए बिल्कुल। अभी गैस बंद कर दीजिए और इसको हिलाते रहिए बस। अदरवाइज ये बॉयल करके पूरे स्टोव पे फैल जाएगा और आपका लिक्विड खराब हो जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा तैयार है। ऐसा कोई प्लास्टिक का डब्बा आप रख सकते हैं इसको परमानेंट रखने के लिए, क्योंकि बाद में थोड़ा खुला डब्बा रहेगा तो अच्छा है। इसको आपको थोड़ा पानी मिला के ही यूज़ करना पड़ेगा। इसको यूज़ कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दिखाएंगे। एक बार इसको डब्बे में डाल के ठंडा होने देना है, क्योंकि पैन से आपको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये पैन में भी फिक्स हो जाएगा आपके। ऊपर लगा, अभी ठंडा होने के बाद ये दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका डब्बा जो है इतना मजबूत हो कम से कम के वो पिघल ना जाए, या डब्बे को फिर पानी में रखना पड़ेगा। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है और सैडल्स कैसे साफ़ करनी है।